और फ्रेंड्स अब आने वाला अक्टूबर सितंबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर में यहाँ पर इसका लॉन्च तो हो ही जाता है, मतलब सारे टी वाले वन प्लस के सारे जितने भी फोन्स होते हैं वो अब अक्टूबर में ही लॉन्च होते हैं। तो अक्टूबर में अब वन प्लस सिक्स टी का टाइम है और यहाँ पर जो है एक फ़ोटो जो लिया है वो लीक हुई है, जिस फोटो में यहाँ पर मतलब आप कहेंगे कोई ज़्यादा क्या उसमें टाइम लिखा हुआ है, नीचे एक ब्राइट सा एक फिंगरप्रिंट वाला साइन है स्क्रीन पर, जिससे कि आप शायद आइडिया लगा सकते हैं कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, बाकी क्या खास है। तो यहाँ पर देखिए जो फोटो है उसमें आपको टाइमिंग दिख रही है 11 और 17 अक्टूबर, अब यहाँ पर सेप्टेम्बर चल रही है तो 17 अक्टूबर का स्क्रीनशॉट वो कैसे दे सकते हो, तो सीधे सीधे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा यही चांसेस है कि यहाँ पर 17 अक्टूबर को 11 बजे के लगभग यहाँ पर इसका लॉन्च इवेंट होगा वन प्लस सिक्स टी का। और ज़्यादा जानकारी के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, वन प्लस सिक्स टी आपको कब देखने को मिलने वाला है, कैसा देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भारत प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। वो तो यहाँ पर इंटरनेट पे इतनी सारी इसकी लीक्स रूमर्स और वीडियोस फोटोज आ चुकी हैं कि यहाँ पर जो है इसका डिज़ाइन और किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी इसमें होने वाली है वो सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ पर स्क्रीन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो पहले की तरह हमेशा की तरह ग्लास बैक के साथ आएगा, फ्रंट और बैक दोनों में ही ग्लास आपको देखने को मिलेगा, मस्त वाली फिनिश होगी। और ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों को पता है ओप्पो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है वन प्लस के फ़ोन, तो यहाँ पर जो ओप्पो R15 था वो उसके जैसा बिल्कुल सेम आया वन प्लस 5T, और जब ओप्पो R17 है उससे इंस्पायर होकर यहाँ पर वन प्लस 6T आने वाला है। और ओप्पो R17 में आपको एक ग्रेडियंट वाली फिनिश भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है यहाँ पर इस बार वन प्लस 6T में भी ये ग्रेडियंट वाली फिनिश आपको देखने को मिले, कलर शिफ्टिंग वाली, जो कि मतलब अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर फोटो लीक हुई है एक, जिसमें कि आपको फ्रंट और बैक दोनों देखने को मिलती है। यहाँ पर बैक पर अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे 3 कैमराज हैं, और स्पेसिफिकेशंस में आपसे आगे बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर लुक्स में 3 कैमराज आपको बैक में देखने को मिलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में देखने को नहीं मिलता है, वन प्लस 5 के बाद कभी भी फ्रंट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिला था, और इसमें भी नहीं देखने को मिल रहेगा फ्रंट में भी ना बैक में। तो यहाँ पर इसके चांसेस ये हैं कि आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है, जैसे कि आपको R17 में देखने को मिलता है ओप्पो के। और यहाँ पर अब फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो आने वाली है एक नॉच वाली, जो R17 में आपको देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच, एक बूंद जैसी नॉच, वो वाली नॉच आपको इसमें देखने को मिलेगी वन प्लस 6T में। वो अब बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो यहाँ पर जो है गिज टॉप नाम की वेबसाइट है जहाँ पर इसका सेल वाला पेज है वो थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन हुआ था, अब वो फिलहाल ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन पेज हुआ था तब इसके एक की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमें पता चल चुके हैं, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो इसके जो की स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और यहाँ पर जो है आपको मे बी आपको लग रहा होगा 855 स्नैपड्रैगन का देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 845 वाला प्रोसेसर इसमें होगा स्नैपड्रैगन का, साथ ही साथ यहाँ पर जो रैम रोम वेरियंट्स होंगे वो 6GB रैम और 8GB रैम वाले होंगे, इंटरनल स्टोरेज वेरियंट्स होंगे 64GB 128GB और 256GB इसके, और जो स्क्रीन होगी वो होगी 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड वाली डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91.5% का, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और ये जो फ़ोन है उसमें रियर में आपको 3 कैमराज देखने को मिलेंगे, जिसमें से जिनका मेगापिक्सल काउंट तीनों कैमराज में से पहला जो कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ सेंसिंग है, टेलीफोटो लेंस जिसे आप कह सकते हैं वो होगा, अब कौन सा होगा टेलीफोटो लेंस होगा जहाँ तक है। और उसके बाद जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि मतलब मेन कैमरा जिससे आप फोटोज़ क्लिक करेंगे तो मेन कैमरा वाले जो है 12 मेगापिक्सल की एक पिक्चर आपको क्लिक करके ये फ़ोन देगा। और तीसरा कैमरा है वो एक TOF कैमरा है, यानी यहाँ पर जो कैमरा है वो है टाइम ऑफ लाइट वाला कैमरा। अब ये कैमरा क्या होता है तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ये जो कैमरा है वो 3D स्कैनिंग के लिए काम आता है। अब आई डोंट नो व्हाई ये रियर में 3D स्कैनिंग करके क्या करेंगे, बट मे बी कोई नई ऑप्टिमाइजेशन या कोई नया फीचर लेके आए, यू नेवर नो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन पीछे आपको एक TOF यानी एक 3D स्कैनिंग वाला कैमरा देखने को मिलने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग बात इस फोन के सॉफ्टवेयर को लेके है वो ये है कि ऑक्सीजन OS तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड वाला ही होता है लगभग, लेकिन ये जो ऑक्सीजन OS होगा वो अब रन करेगा एंड्रॉयड 9.0 Pie पर। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल फ़ोन जो 9.0 Pie के साथ आपको शायद ये हो सकता है कि पहला मिले। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो फ़ोन होगा 5G एनेबल्ड होगा, हालांकि ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर 845 प्रोसेसर के साथ वो मॉडम कोई दूसरा नहीं लगाएंगे, फिलहाल इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है वो
जो है अब इस फ़ोन को वन प्लस सिक्स से थोड़ा मोटा बना देगा, 0.45 mm मोटा होगा वन प्लस सिक्स टी वन प्लस सिक्स से होगी। तो लीक्स के नाम से यहाँ पर आपको जो है इस फ़ोन का बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक तरफ वन प्लस सिक्स टी पूरा लिखा हुआ देखने को मिलता है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वन प्लस सिक्स टी का स्लोगन, और बाकी बॉक्स के अंदर भी आपको एक फ़ोन का ब्लू प्रिंट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको की हाईलाइट जैसे कि बड़ी स्क्रीन बेजरलेस वाली, छोटा वाटर ड्रॉप वाली नॉच और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के नीचे वाले पोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है। और यही थी मतलब यहाँ पर आपको जो भी लीक्स रूमर्स को समअप करने वाली एक छोटी सी वीडियो अगर बनाए तो आपको यही चीज़ देखने को मिलती है जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, मैंने कहीं मत जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा दोबारा से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही साथ बराबर में मिलेगा पहले कैसे दोबारा से होगा, ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस भी मत किया करके, मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।